अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ पे मौजूद हूँ जिसके बारे में खुद जानकर मैं खुद हैरान हूँ और लोग भी इधर आते हैं वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़िंदा करामतें हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ के आज उरस थे तो माशाल्लाह बड़े धूमधाम से यहाँ के उरस मनाए गए और जो मस्तान मलंग धमाल खेलते उनको बुलाया गया और यहाँ पर उन्होंने भी धमाल खेला। तो पूरा मंजर कैसा रहा उरस के मौके का वो आप देखते रहना, और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Yeah।
बताइए यहाँ पर जो उर्स मनाए जा रहे हैं तो ये कौन सा उर्स है और ये दरगाह शरीफ किन की है? अजमेर इमाम बाड़ा स्थित दरगाह है आपका। ये आप सुल्तान पंचायत दोस्तान गरीब नवाज रहमत अली के साथ में हिंदुस्तान तशरीफ लाए और हम आपकी औलाद से हैं। ये हर साल 10-11-12 जिलहिज यानी बकरा ईद की 10-11-12 तारीख को मुनद होता है। इसमें 11-10 तारीख मिलाद है, 11 तारीख चादर जुलूस होता है, चादर कोशी सुंदर वगैरह होता है और रात की महफिल लगती है। इसमें दरगाह शरीफ के दोनों शाही गोपाल और दूसरे गोपाल भी हाजिर होते हैं, सलामी देते हैं। रात की महफिल के बाद में तीसरे दिन 12 जिलहिज को दोपहर में 11 बजे से 1 बजे तक कुल की महफिल होती है और कुल की महफिल के बाद में दरगाह शरीफ परिक्रमा सरकार की शाही गोपाल पार्टी की पढ़ते हैं। उसके बाद में जो है फातिहा खानी दुआ खैर होती है और लंगर यहाँ रहता है। दोनों दिन लंगर का इंतजाम रहता है और हम दुआ करते हैं इस बारगाह की वाबस्तगी से और अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अपना मान मान फरमाए, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाज़त फरमाए, बिना तकलीफ व मज़ों में मोहब्बत कायम फरमाए, इन बुजुर्गों के बजाय हिंदुस्तान के माहौल को कुछ दबा मिले और सुन्नियत का बोलबाला अपना फरमा दें। हम दुआ को ये मंसूर इशाए अजमेर शरीफ।
أيها الغافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين مثل ما عملت والله الله تقدم دليل ولا نزول كم يتلو الكفوانا مثل ما عملت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا سندنا حبيبنا نبينا مولانا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا مليانا محمد المبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة رب العالمین کا ارشاد بندہ نواز رحمہ کریمہ کا ارشاد بندہ نوازا پروردگارا جو ہم سب نے قرآن عظیم کی تلاوت خواجہ نظر و نیاز درود شریف جو کچھ نظر مولا ثواب کی نیت سے کیا تیری بارگاہ ہے قسمنا میں نظر ہے پیش رب العالمین قبول و مقبول فرما بارضا حضور پر نور سید عالم سرور عالم محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء امام الانبیاء یعنی محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما بتفائل رسول مقبول
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तमाम खुलफाए राशिदीन पंजतन पाक बाज इमाम जम्मू मासूमीन सैयद शहदा शहीदान करबला इमाम हसनैन करीमैन माए पाक फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की बारगाह में कसना में नज़र मौला कबूल फरमा नबी की बारगाह में माय मुरीदीन मदनीन साहिबजादगान साहिबजादी की नजर मौला को कबूल मकबूल फरमा बतुफैल रसूल मकबूल ख्वाजा कुतुबुद्दीन मख्तियार काजी मुंशी बाबा फरुद्दीन ने इंतशकर सादिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ख्वाजा शमशुद्दीन तुरुपानी मदी ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ख्वाजा बंदा नवाज की बारगाह में नजर मौला कबूल फरमा सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार सैयदना अहमद कबीर आशिक अल्लामा शुक्र भाई लाल शहबाज कलंदर मौली शाह कलंदर राबिया जुलिया बसरी कलंदर की बारगाह में फातिहा नजर है मौला कबूल फरमा बतुफैद रसूल मकबूल तमाम सिलसिला सलासिल पीरान शरीयत मुशदान तरीकत औलिया इज़्ज़ाम सूफिया इकराम सिलसिला चिश्तिया शोरबंदिया नक्शबंदिया तबकातिया कादरिया नियाज़िया औलिया अंबिया अदिया अशिया पीर फकीर बस्त बुजुर्ग गौस कुतुब सादिक मज़ूम शहीद और गाज़ी बंदे अल्लाह और बंदे रसूलुल्लाह की बारगाह में नज़रे पेश हम अल्लाह को कबूल फरमा रब्बुल आलमीन खुसूसन के खुदूस फातिहा नज़र नियाज़ का कुरान पाक का जो खुद उर्स की सुन्नत नबी हैं साहिब मदार साहिब उर्स हजरत दादा शाह सैयद मीरा नाता माशा सरकार चिश्ती अल कादरी रज़ाकी सुम्मुल अजमेरी उर्फ शाह सैयद हमीदुल्लाह शामिया की बारगाह में नजर है पेश मौला तो कबूल फरमा बतुफैल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम परवरदिगारा जो खुद भी हमने रसूमात अदा की है फातिहा नज़र नियाज़ साहिब मदार साहिब उर्स हमारे दादा हुजूर शाह सैयद मीरा नाता माशा सरकार चिश्ती अल कादरी रज़ाकी सुम्मुल अजमेरी की बारगाह में कसना में नजर है मौला तो कबूल फरमा परवरदिगारा कार सरदार वाजी अली सरकार मलक शदाता मोहम्मद शमिया गुलाम अली शमिया फजल अली शमिया अफजल अली शमिया मजर अली शमिया सफदर अली शमिया हैदर अली शमिया रहम अली शमिया रहीम अली शमिया गुलजार अली शमिया बेदार अली शमिया दादा हाजी की हयात अली शमिया की बारगाह में कसना में नजर मौला तो कबूल फरमा बतुफैद रसूल मकबूल तमाम सिलसिला सलासिल पीरान शरीयत मुर्शिदान तरीकत औलिया इज़्ज़ाम सूफी इकराम जो हमसे और खानदान से वाबस्तगान मुरीदान तालिबान वाबस्तगान थे मौला हुसैन की अरबाब को की नजर मौला कबूल फरमा कुरान अजीम फातिहा नजर नियाज का सवाब अजीम जो लोग मेरे साथ शामिल हैं फातिहा में एक बार अल्लाह में हाथ उठाए मौला इनके घरों से खानदान से रुसत हुए उनकी अरबाहों को भी इसका सवाब अता फरमा जो मुसलमीन दुनिया से लावारिस चले गए जिनकी दुआएं मगफरत करने वाला जिनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं मौला उनकी अरबाहों को भी इसका सवाब अता कार सरदार बंदा नवाजा इस मुकद्दसा में जो भी रसूमात हमने अदा की नजर नियाज फातिहा महफिल समा महफिल मिलाद दुआ खानी सबको सरकार की बारगाह में कबूल मकबूल फरमा मौला इसके अदा करने में हमसे जो भी गलती खताई उसको रसूल पाक की तुफैल में माफ फरमा इन लोगों ने भी उसमें जिस तरह से भी मन मन भर से हिस्सा लिया है मौला उन सब का भला अता फरमा उन सब के कार में बाद में आल में औलाद में माल में कारोबार में खैर बरकत नाजिल फरमा मौला सबको इज्जत आबरू नसीब सुखी कामयाबी अता फरमा अल्लाह आपका जो बीमार हमको शफा अता फरमा जो परेशान हम की परेशानियों को दूर फरमा जो कर्जदार है रब्बुल आलमीन को मकबूलियत अता फरमा मौला फलस्तीन के मुस्लिमीन की मदद फरमा कारसाद बैतुल मुकद्दस को खुशगवार माहौल में आबाद अता फरमा काबतुल्लाह बैतुल मुकद्दस उल मदीना मुनव्वरा की हिफाजत अता फरमा इन मुकद्दस बारगाहों की हम सबको हाजिर नसीब अता फरमा हम सब की जायज मुरादों आरज़ूओं तमन्नाओं जरूरतों को रब्बुल आलमीन पूरी फरमा सुन्नियत का बोल बाला अता फरमा गौस और ख्वाजा का हमको सच्चा शहदाई बना नबी करीम की सुन्नतों पर अमल करने की हमको तौफीक और नसीब अता फरमा ऐ रब्बुल आलमीन इस फातिहा और मुकद्दस सारे सदके मेरे वालिद को दिमागी जिस्मानी रूहानी तंदुरुस्ती अता फरमा उनके साया सर पे दायम कायम रख हम सब में मोहब्बत इत्तेफाक इत्तेहाद यकजहती अता फरमा इसी तरह से उस को मुकद्दस परवरदिगार अलम तकलीफ को अदा करने की हम सब में तौफीक और रफीक अता फरमा हिम्मत और हौसला और अकल सलीम अता फरमा दे ऐ कारसाज बंदा नवाज रहमान रहीम मालिक उल मुल्क हमारे महफिल मिलाद में महफिल समा में कुरान खानी में गलती कुछ भी हमसे जो हुई परवरदिगार आलम इसके अदा करने में रब्बुल इज्जत माफ फरमा और कबूलियत और मकबूलियत अता फरमा तमाम बालगो बालान मुरीदान तालिबान चाहने वाले मानने वालों को भला अता फरमा सभी को तरक्की की सदात नसीब अता फरमा जो लोग इस वक्त यहाँ हाजिर हैं तेरी बारगाह में हाथ दिखाए मौला इनकी जो भी जायज मुरादें हैं आरज़ू हैं तमन्नाएं ज़रूरतें हैं इन बुजुर्ग के सदक़े में पूरी फरमा दे क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हज़रत हबीब करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन्नबी या
ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا مولانا مليانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله सैयद अहमद कबीर आसिक अल्लाह माफूक रफाई के चाहने वाले और उन्हीं के सिलसिले से हैं और हमारा नाम साईं गुलबहार अली शाह नकीबन औलिया है और हम दरबार में जहां कहीं का उरस होता है तो दावत देते हैं और बुलाते हैं सरकार में हाजिर होते हैं और धमाल करते हैं चादर में पेश कराते हैं और जो है मौला सैयद अहमद कबीर आसिक अल्लाह माफूक रफाई के सदक़े में हम लोग धमाल करते हैं और जो है सुल्तानिया जरबे आर पार करते हैं ये करम है हमारे सुल्तान सैयद अहमद कबीर आसिक अल्लाह माफूक रफाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही कहते बिस्मिल्लाह व बिललाह तवक्कलत अलल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह हु वलीउल हकीम दस्त मेरा अलवान पर दस्त मेरी रफाई मुर्सद बैठे तक पर खड़ी बोले अनल हक या रफाई हर हक ये करीमा कार साजा बंदा नवाजा दस्तगीरा अशरफा पुरमते रूहे पैम्बर एक नजर कुल पुए माँ ये अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा दरहाए बस राजे गलीजे करम कुसा अशरफ नहंग दरिया दरिया वकीर दारत दुश्मन हजारे प्रगम यादारत या गरीब नवाज जो परेशान है उनकी परेशानियां दूर हो जावे जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता हो जावे कर्जमंद को कर्ज से अदायगी जितने दरबार गरीब नवाज में और मीरा नातवान में आए हैं सबका भला हो जाए सबके आस औलाद का भला ए लल्ला मैं